ताकि हर ऑसम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली तरीके से पहुंच सके। एंड अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है, अब एक बार उसको अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि भाई जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली तरीके से नहीं पहुंच रहा है, तो उसको इजीली तरीके में जाने का रास्ता ये है भाई, आप सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि इजीली तरीके से आपको नोटिफिकेशन जा पाए। एंड आप यहाँ पे थीम देख सकते हो, अब ये जो थीम है ये काफी अच्छा थीम है। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्टार्टिंग में, फिर बाद में लोग कहते हैं कि जितने भी ये थीम इस वीडियो में होने वाले वो सारे आपके थीम स्टोर पे अभी अवेलेबल नहीं है, मे बी सम डेज बाद आपको ये थीम स्टोर पे देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो इनकी लुकिंग है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका यहाँ पे कंट्रोल सेंटर दिखाऊंगा जो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो एकदम एक्साइटेड एंड एकदम नेक्स्ट लेवल आपको इसमें लुकिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क करता है एंड यहाँ पे अगर मैं इसका सिस्टम वे ओपन करूँ तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे वो लोग जो टेक्स्ट भी है वो देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग करता है। एंड अबाउट फोन भी आपका काफी अच्छी तरीके से चेंज होगा। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसमें बटन टॉगल्स भी चेंज होंगे एंड काफी अच्छी तरीके से MIUI 12.5 पे भी रन करेगा। एंड आपका वॉल्यूम बार भी चेंज होगा, थीम स्टोर पे आएगा काफी यूनिक तरीके से एंड काफी कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर हम इसका सिस्टम UI डाल चेक करें तो वो भी एकदम यहाँ पे क्लियरली चेंज हो जाता है जो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे व्यूइंग देगा। एंड काफी अच्छी तरीके से थीम आपको व्हाट्सअप भी चेंज कर देता है, अगर आप लोग व्हाट्सअप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका व्हाट्सअप ओपन होगा एंड कुछ इस तरीके से आपको इसमें लुकिंग देखने को मिलेगी अंदर से जो कि काफी अच्छी एंड काफी यूनिक सी आपको इसमें यहाँ पे व्यूइंग होगा। एंड यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे डाउनलोड करना है तो जाना MTZ फाइल आपको इसका देखने को मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ओपन कर लेना। एंड थीम का नाम आपको देखने को मिलेगा कुछ मिकी चैन लाइट इस तरीके से एंड किस तरीके से आपको अपने थीम स्टोर पे या अपने फोन में थर्ड पार्टी थीम को अप्लाई कर सकते हो तो वो भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं। बस चाहिए लास्ट तक वेट करना है, रीनेम थीम लगा। अब ऐसा ही यहाँ पे थीम देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लोक जो देखोगे आप लोग, क्लोक वो क्लोक यार इस थीम में नहीं, मेरे जो लॉन्चर है उसमें कुछ इस तरीके के यहाँ पे विजिट का दिक्कत हो जाता है तो उसको इग्नोर करना, लेकिन आप लोगों के में पूरा आएगा अगर आप लोग पोको लॉन्चर यूज नहीं करते ओल्ड वर्जन के डिवाइस में। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से व्यू करेगा एंड यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर वो काफी नेक्स्ट लेवल एंड काफी ओपी आपको व्यूइंग करेगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से टॉगल्स एंड बॉर्डर लाइन एंड ऑल ओवर जो टॉगल्स हैं वो यहाँ पे एंड ऊपर साइड यहाँ पे देख सकते हो पूरा एवेंजर का आपको टीम अप देखने को मिलेगा। एंड काफी अच्छी तरीके से अगर मैं सिस्टम यूआई ओपन करूँ तो वो भी कुछ इसी तरीके से आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो GRXUI टीम लिखा हुआ है इन्होंने जो कि इसके डिजाइनर है, उन्होंने अपना यहाँ पे नाम दे रखा है या बोल सकते हो अपनी टीम को मेंशन कर रखा है। एंड मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन आपको रेड एंड ब्लैक देखने को मिल जाता है इसमें जो कि मेरे को काफी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर इसका वॉल्यूम टॉगल्स भी देखोगे तो वो भी आपको कस्टमाइजली देखने को मिलेगा एंड ये थीम MIUI 12.5 एनहांस्ड वर्जन को भी सपोर्ट करता है तो आप लोग इसको इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो। तरीके से आपका डायल पैड भी चेंज करेगा जो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे व्यूइंग देगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ऑल ओवर जो कॉन्टैक्ट है वो देखने को मिलेंगे। एंड अपर साइड आपको एक पिक्चर भी देखने को मिल जाती है एवेंजर्स की जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो तो वर्किंग देखने को मिल जाएगी। यहीं पर अगर मैं इसमें व्हाट्सअप भी ओपन करूँ तो वो भी चेंज होगा 100%। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो व्हाट्सअप की कितनी बेस्ट लुकिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो GRX लिखा हुआ है एंड यहाँ पे नीचे लोगो चेंज है एंड पूरा जो व्हाट्सअप का मॉड्यूल्स है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। एंड एक और चीज यहाँ पे व्हाट्सअप में मेंशन करूंगा, यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई कॉन्टैक्ट जैसे कि मेरा कोई काफी सारे कॉन्टैक्ट है जिनकी मेरे को पिक्चर नहीं दिखती है लेकिन उनके यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पर लोगो बन जाएगा कस्टम लोगो जो कि इस थीम में यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब मे भी MTZ फाइल में ऐसा हो या उस थीम शो पे जो है उसमें ना हो तो वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन जो MTZ फाइल में उसमें काफी सारे आपको इनहेंस मोड देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे थीम शो पाते हैं उससे ज्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं MTZ फाइल में। कुछ इस तरीके से होम स्क्रीन का लुक एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लॉक स्क्रीन का व्यू देखने को मिलेगा जो कि काफी नॉर्मल एंड काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज किया गया है, कोई लैग वैग नहीं स्वाइप अप करके आप इसको इजिली यहाँ पे अनलॉक कर सकते। तो अब इस थीम के लिए आपको जाना होगा थीम स्टोर पे, यहाँ पे देख सकते हो एवेंजर्स GRXUI आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब इनको अप्लाई कैसे करना है सीरियसली वो रही यहाँ पे बात, तो अब कुछ नहीं करना आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप इनको सीधा यहाँ पे फ्री कर सकते हो परमानेंटली, तो मैं भी यूज नहीं कर सकता एंड आप लोग तो यूज कर सकते हो तो कस्टम रोम यूज कर सकते हो। यहाँ पे MIUI थीम एडिटर डाल देना, यहाँ पे देख सकते हो Xiaomi थीम एडिटर कुछ इस तरीके से इसका नाम आएगा एंड इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे व्यू होगा, यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे भी आपने थीम वो डाउनलोड किया MTZ फाइल तो मैं डाउनलोड में क्लिक कर रखे हैं। यहाँ पे देखते तो एवेंजर वाले को मैं बताता हूँ, एवेंजर वाले पे क्लिक करना है एंड MTZ फाइल ओपन होगा एंड ओके कर देना है। ओके जैसे आप करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एड्स होगी, बस याद रखना आपका जो नेट कनेक्शन है वो ऑन होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके की एड दिखाएगी, इसको स्किप करते हैं एंड फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर फिनिश करेंगे एंड यहाँ पे फिर से एड्स होगी, यहाँ पे बूट अप होगा या बोल सकते हो बिल्ड अप होगा
आपको इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल पे क्लिक करना, नो पे क्लिक मत करना। ये इंस्टॉल जो आपके थीम स्टोर पे इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद सीधा बाहर आ जाना, कुछ भी मत करना। बस बाहर आने के बाद बैकग्राउंड से अगर क्लीन करना चाहते हो तो क्लीन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। थीम स्टोर पे जाना इजीली, यहाँ पे थीम स्टोर में ओपन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे प्रोफाइल में जाना, जैसे कि यहाँ पे देखो थीम स्टोर ओपन हो रहा है लोडिंग लेके एंड माई पेज पे एंड थीम्स में। यहाँ पे देखो जो थीम जो ये आपके एडिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे दो थीम के वर्जन देखने को मिलेंगे, एक तो एवेंजर्स GRSUI, अब यहाँ पे अप्लाई मी वाला होगा। तो अप्लाई मी वाले को आप अप्लाई कर सकते हो इजीली, अपने ट्रायल ले सकते हो, बोल सकते हो परमानेंट तो यूज़ नहीं कर पाओगे। अप्लाई कुछ इस तरीके से होगा एंड ये आपको देखने को मिल जाएगा आपके डिवाइस में, यहाँ पे लोडेड हो चुका का इसे यहाँ पे वर्किंग करता है। तो व्यू ऑप्शन आपको ये आज के थीम अच्छे लगे होंगे एंड आप इस तरीके से अपने फोन में इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मे भी आप जरूर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी ओपी एंड काफी एक्सक्लूसिव न्यूज एंड साउंड के थीम आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड हमने एक न्यू सीरीज सेटअप की यहाँ पे ट्राई की है, अगर आप लोगों को होम स्क्रीन सेटअप चाहिए तो आप लेटर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। काफी ओपी एंड काफी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाएंगे चैनल पे, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हम मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।